वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS Tech के सी ट्यूटोरियल सीरीज में। आज हम सीखेंगे कैसे एक स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें हम बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकें। इसके साथ ही हम स्ट्रक्चर का एक एलियस मींस निकनेम भी बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम studio.h लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं ताकि हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर सके। अब हम बैंक अकाउंट नेम से स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें टू मेंबर्स है, अकाउंट नंबर और नेम। अकाउंट नंबर एक इंटीजर टाइप का मेंबर है, जबकि नेम एक कैरेक्टर अरे है जिसमें हम 100 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर का एक एलियस बनाना है। इसके लिए हम टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने SEC नाम का एलियस बनाया है जो बैंक अकाउंट स्ट्रक्चर के लिए यूज होगा। अब हम मेन फंक्शन में 3 अकाउंट होल्डर का नेम एंड अकाउंट नंबर स्टोर करने के लिए 3 डिफरेंट वेरिएबल बनाएंगे। printf फंक्शन का यूज करके तीनों अकाउंट होल्डर का नेम एंड अकाउंट नंबर प्रिंट करने के लिए फंक्शन लिखेंगे। चलिए अब इस कोड को कंपाइल और रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हमने सक्सेसफुली बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर में स्टोर कर ली और उसको आउटपुट भी डिस्प्ले कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्न एंड कीप एक्सप्लोरिंग।